Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك
जी का पाठ सातवां अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सप्तमोऽध्याय श्री भगवान उवाच। मय्या सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्सेनु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञान इदं वक्ष्याम्यशेषत। यद्वत्वानेह भूयोन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु स्तेति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्पर
भूमिरापोनलो वायु मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्पन्यां प्रकृति विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यदीदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत् प्रभव प्रलयस्तथा मत्परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं श्रोत्रे मणिगणा इव ह्रसोऽहमाप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूययो प्रणव सर्वभेदेषु शब्दके पौरुषंषु ओन्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्तास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां वेद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां वेद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं 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 हरे शरणं
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 16 जून 1995 को तथा 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में होगा। राम 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 राम। देखो एकदम प्रत्यक्ष बात है, ये है गीता है, सब कोई बात में एक अनुसार है, ये वस्तु है, बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है, गीता है। परंतु सब नाचवान ये भी गीता, ये शरीर पहले नहीं थे फिर रहेंगे, ये वृक्ष पहले नहीं थे फिर नहीं रहेंगे, ये मकान पहले नहीं थे नहीं रहेंगे, संसार जितना है वो पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा। तो इसमें नहीं नहीं है फिर है कैसे दिखता है, दोनों साथ दिखते, दोनों की आने के नहीं है और फिर है तो नहीं सिद्ध होता है। कई बार ही कहती है संयोग और वियोग में वियोग नित्य है संसार का, संयोग नित्य नहीं है तो है अपना सिद्ध नहीं हुआ, इसका इसका नहीं पढ़ा ही सिद्ध हुआ कि नहीं पढ़ा ही नित्य हुआ, वियोग ही नित्य हुआ तो नहीं पढ़ा ही नित्य हुआ, और परमात्मा का है पढ़ा ही नित्य हुआ। तो इसमें जो है पढ़ा दिखता है वो संसार का नहीं है, वो परमात्मा का है, इतनी बात जाननी खास है। पण ये संसार का नहीं है क्योंकि संसार का अभाव था, अभाव होगा उसका वियोग नित्य है, तो ये अनित्य हुआ नाश हुआ नहीं है, ये नहीं रूप हुआ संसार और है रूप हुआ परमात्मा, वो परमात्मा की झलक से ये है अपना दिखता है, अपना है परमात्मा का दिखता संसार का। इतना ही ख्याल कर ले कि ये तो किसी क्षण भी है नहीं, ये तो नाशवान है, क्षण मात्र क्षण में टिकता नहीं तो नाश ही नाश हुआ, अभाव ही अभाव हुआ, अरे परमात्मा का भाव ही भाव हुआ, तो भाव इसमें दिखता वो भी परमात्मा का है और भाव परमात्मा वो भी परमात्मा का है। मानो संसार में जो भाव दिखता है वो भाव सत्ता परमात्मा की है, अरे परमात्मा का है वो परमात्मा का ही है, तो है पड़ा केवल परमात्मा की परमात्मा का है और संसार का नहीं पनाही है, ना सतो विद्यते भाव ना वो विद्यते सत्ता। तो इसमें जो इनका है पना सत्ता मान लेते हैं यह गलती होती है, तो इसकी सत्ता मानना ही ये गलती है। तो व्यवहार सब करते हुए भी ये सत्य है ऐसे भीतर से भाव उठ जाए कि व्यवहार होता है सब होता है परंतु ये सत्य नहीं है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, अभी वर्तमान में नहीं में ही जा रहा है, प्रतिक्षण हरदम नहीं में जा रहा है, आप बैठे वो समय अब नहीं है, मैंने बोलना शुरू किया वो समय नहीं है, नहीं में गया, एक एक वाक्य उच्चारण करते हैं, एक एक शब्द उच्चारण करते हैं, एक एक अक्षर उच्चारण करते हैं, वो सबका सब नहीं में ही जा रहा है, पहले नहीं पीछे नहीं वर्तमान में नहीं तो नहीं सिद्ध हुआ, प्रत्यक्ष बात है। और जो आधार है सबका ज्ञाता है, सबका अधिष्ठाता है, सबका अधिष्ठान है, सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, वो सत्य है। जैसे ये प्रकाश इस प्रकाश में ये दिखते हैं, ये सब आ जाए तो प्रकाश, सब चले जाए तो प्रकाश, थोड़े आ तो प्रकाश, ज्यादा आ तो प्रकाश, प्रकाश है जो कहते हो, इस तरह से परमात्मा सत्ता है जो कहते हो, संसार अनंत सृष्टि उत्पन्न हो जाए तो परमात्मा की सत्ता है,
कुछ उत्पन्न कुछ उत्पन्न नहीं तो सृष्टि है, बिल्कुल उत्पन्न नहीं हुई तो परमात्मा सत्ता है, वो दूसरे को संपर्क करते ही नहीं। और ये सब नाशवान है, इतनी बात है। नाशवान में जो आकर्षण है ये दुखों का कारण है, पता लग जाए। अब सुख के लिए धन कमाते हैं, मान करते हैं, कई चीजें करते हैं, दुख मिटाने की चेष्टा करें। दुख मिटाना हो तो नाशवान में आकर्षण है, इसको मिटा दो, सब तो मिट जाएगा। कितने है सबके सुख ईश्वरी है, मैं कब वही बात करते हैं ना, तो ये आकर्षण है ना, तो ये आकर्षण है। इसमें एक मार्मिक बात है ध्यान देने की, इन वस्तुओं में शक्ति नहीं है, वो आकर्षण देखता है वस्तुओं में, जैसे रुपयों में, पदार्थों में, भोगों में, अरे वह आकर्षण नहीं है, ये आकर्षण यहाँ है, यहाँ का आकर्षण वहां दिखता है। हम अगर बेपरवाह कर ले तो उसमें ताकत नहीं आकर्षण की। रुपया बहुत कीमती है, परंतु हम जब आप छोड़ दें तो रुपये में आकर्षण नहीं रहेगा। हमारा जो महत्व है हमारे मन में, उन चीजों का महत्व है, तब वे आकर्षक होते हैं हमारे। अगर हम महत्व नहीं करें तो आकर्षण कैसे हो जाएगा? जैसे आपको बतावे, गंदी चीज याद आ गई, मनुष्य की दुकान चलती है तो किस आकर्षण तभी चलती है। पर आपके मन में आती है कभी मांस खरीद ले? फिर क्या है, मनुष्य में मनुष्य में हमने कहा प्यार की है तो चलो ठीक हो गया, अरे विग्राही है तो आकर्षण हो गया। तो आकर्षण उनका जो मांस में है, तो मांस में तक थोड़ी है, अगर मनुष्य है तो हमारा भी आकर्षण हो जाए। उसमें शक्ति हो तो हमारे वो खेच लेगा नहीं, छू जा तो स्नान करे, मुर्दा है, मर गया, मुर्दा हो गया, मान अशुद्ध। तो आकर्षण अपने मन का किया हुआ है, इस वास्ते अपने को ये समझना है कि इसमें हमें नहीं फंसना है। केवल अनर्थ के सिवाय किसी तरह का लाभ नहीं है, सब तरह की हानि हानि है। अगर ये निश्चय हो जाए ठीक, तो मन और इंद्रियां सब भस्म हो जाएगी, सोते स्वाभाविक, इनमें कोई ताकत नहीं है। आप महत्व नहीं देंगे तो सब भस्म हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा एकदम। आप जिसमें महत्व दे दो मन खिंच जाएगा, किसी के साथ मित्रता कर लो मन खिंच जाएगा, किसी को बढ़िया समझ लो मन खिंच जाएगा। तो आप ही मानी हुई महत्ता है, तत्व महत्ता नहीं है। इस बात हम स्वतंत्र है, इसके त्याग करने में हम स्वतंत्र है। उन पर महत्व होता तो त्यागने में हम स्वतंत्र नहीं होते। ठीक सुनाई देता है ना मेरी बात? मेरे पर असर पड़ता है कि वेग ज्यादा है, लोग अक्षर नहीं समझते। मेरी बहन है, इससे पूछता हूँ, आपको ठीक पता लगता है? ज्यादा वेग वाला तो ज्यादा होता है, अक्षरों का पता नहीं लगता। ठीक पता लगता है? बस ठीक है। तो वास्तव में आकर्षण हमारा वस्तु में दिखता है, है वास्तव में वस्तु का महत्व यहाँ वहां नहीं है। जिसका महत्व यहाँ है वही आकर्षक होगा हमारा, जिसका महत्व हमारे भीतर नहीं है उसमें ताकत नहीं घटने की, है ही नहीं। और वो महत्व हमारा दिया हुआ है उसमें है नहीं, हमने मान लिया उस महत्व दे दिया, हम फंस गए मुहूर्त में।
सिवाय नुकसान के किसी तरह का फायदा नहीं। अगर यही महत्व तो परमात्मा को दे दे तो परमात्मा भक्त हो जाए, जो कि उसमें महत्व है तो नहीं है वहां महत्व दे दिया, ऐसा महत्व वहां नहीं दिया, ये बात है। सत्संगति के द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है। तो वास्तविक क्या है कि हमारा वास्तव में आकर्षण परमात्मा में होना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, हम भोगों के अंश नहीं है, संसार का अंश हम नहीं है, प्रकृति का अंश नहीं है, प्रकृति का संसार का अंश शरीर है, हम परमात्मा के अंश है। अब शरीर के साथ मोह करने से शरीर के साथ ही हम साथ मोह हो गया, इस वास्ते हमें सावधान होना है। और इसका उपाय सरल उपाय है कि दूसरों को सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे मिले, सबका सम्मान कैसे हो, सबकी निरोगता कैसे हो, सबके सब उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये जोरदार जग जाएगी तो ये मिट जाएगा। जैसे माता है उसे गोद में बालक है, बड़ी भारी भीड़ है उसमें भी बच्चे को सुला देगी, आप कष्ट पाओगे। तो दूसरे के सुख देने की बात होती है, अपने सुख का त्याग शूरता से होता है, ये कर्म योग है। एक संत थे, उनकी बात मैंने सुनी, वो कहते थे कि मेरा ब्याह हुआ तो ब्याह होने के बाद बाहर गया बगीचे में तो एक आम मिला, पहले ही पहले आम मिला, वो फसल आई नहीं थी आम हो गई और बड़ा आम था, तो मैंने जाकर अपनी स्त्री को दिया, तो मेरे ख्याल हुआ कि ये इस हाथ के तो ये मुंह नजीक था और हम भी खा सकते हैं, हमारी रुचि रहती है, फिर इस मुंह में नहीं उसको दिया, क्या कारण कि उस पर हमारा आकर्षण था, मुंह पर तुम्हें आकर्षण करके उपाय इस बात पर साधु हो गए, इसी बात पर हाँ देखो मैं मफ्त में फंस गया हुई, अपने न खाकर कुछ हो दिया तो फंस गया ना, तो ये बात हमने मुफ्त में दूसरे को महत्व दे दिया, अब दूसरे महत्व नहीं देंगे, कोई और नहीं। तो ये चेत होता है ना आदमी को, होश हो जाता है, होश आ जाता है। अब कई दफे बड़ी बड़ी घटना घटने पर भी होश नहीं होता है, तभी दुख पा रहे हैं। नहीं तो भगवान ने सृष्टि ऐसी पैदा करी है कि जिसे आपके अरुचि हुए बिना रहेगा ही नहीं, कितना ही तो धन और कितना ही भोग और कितना ही सम्मान हो, आपकी अरुचि पैदा होगी, मगर अरुचि को महत्व नहीं देते, रुचि को महत्व देते हैं, ये गलती होती। विषयेन्द्रिय संयोग यग्रे अमृत परिणाम है विश्व, तो परिणाम को सोचने वाले मेरा आगे त्यागी होते हैं, जो तत्काल कुछ सोचने वाले नहीं होते, तो तत्काल सोचने वाले पशु पक्षी होते हैं, विवेक है वो तो परिणाम सोचता है, तो परिणाम सोचकर हम व्यवस्था करें तो हमारा व्यवहार सुधर जाएगा, तत्काल देकर करें तो फंस जाएंगे, इतना ही तो फर्क है। नतीजा क्या होगा इसका, परिणाम क्या होगा, तो होश आ जाएगा, एकदम होश आ जाएगा, तो हम पापों से अन्याय से भोगों से बच जाएंगे। ये बार बार दुख पा रहा है, 84 लाख दूरी में जा रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं, करा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, केवल मूल में भूल है, और वो भूल अपनी है, और अपने को दूर करनी है। सत्संग है, शास्त्र है, भगवान ये सहायक है, मूल हम है खुद, जो खुद के विचार बिना ना शास्त्र करते ना गुरु जी करते ना भगवान, क्यों खुद की भूल अपनी है, तो अपनी भूल का सुधार अपने को करना पड़ेगा,
और अपने सुधार कर ले तो बिगाड़ कोई करने वाला है ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। तुम्हारे सुधार अपने को करना है और करना है कब, आज अभी अभी आज भी अभी करना है, देरी का काम नहीं है इसमें। ये धीरे धीरे हो जाएगा, देरी से हो जाएगा, ये बड़े गलती है, बड़ी भारी गलती है। ये तत्काल होने की बात है, ये देरी से होने का नहीं। देरी से तो पैदा की जाएगी कोई वस्तु, कहां से लाई जाए, कहीं ले जाई जाए, कहीं उसमें रद्दो बदल किया जाए, देरी उसमें लगती है। एक एकदम जो जानना ठीक है वो तो तत्काल है, इसमें समय नहीं लगता। अब विचार किया हो जाएगा, जहां विचार किया सच हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक चीज है वो तो वास्तविक ही है ही वो ऐसी। उसको जान लो मान लो, मान लो तो जान लोगे, जानने के बाद मान लोगे, दोनों बातें है। ज्ञान में जानने के बाद मानता है, भक्ति में मानने के बाद जानता है, इतना ही फर्क है। भक्ति में पहले मान लेते हैं फिर जान लेंगे, ज्ञान में पहले जानते हैं फिर मान लेंगे। जान लो चाहे मान लो, विवेक से जान लो दीखने लग जाएगा, चाहे मान लो फिर दीखने लग जाएगा। इस वास्ते सच्ची चीज को मान लेना, तत्काल मान लो, तत्काल काम हो जाए, तत्काल उसी क्षण, देरी का काम नहीं है। अभी हम मान सकते हैं, इसी क्षण मान सकते हैं। वह क्यों को बैराग हुआ इससे से पट बैराग हो गया, क्योंकि वास्तविकता है ना। राग ये कृत्रिम है, वैराग्य स्वतः है, संसार का वियोग स्वतः है, संयोग कृत्रिम है, और परमात्मा का संबंध स्वाभाविक है, और संसार का संबंध अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक को तो स्वाभाविक बना लिया, और स्वाभाविक को अस्वाभाविक बना लिया, अपनी भूल से उल्टा कर लिया। अब फंस गए हम तो क्या करें, निकल नहीं सकते, ये फैल हो गया। जो परमात्मा नित्य निरंतर मौजूद है, कभी वियोग होता नहीं, उसको तो मान लिया दूर, और संसार का संयोग कभी होता ही नहीं, निरंतर जा रहा है, उसको मान लिया समीप। बात इतनी है, शरीर अपना कैसा था कैसा हुआ तो बदलता है, तो संसार सब बदलता है। हमारे देखो यहाँ जंगल था साहब, हम सत्संग आए जंगल का बिल्कुल, अब जंगल जी क्या क्या हो गया, तो ये तो बदलता है सभी। शरीर अपना देखो तो कैसा था बचपन में, कैसा था अब कैसा है, और फिर मरे तो मिट जाएगा, जिए तो मिट जाएगा, ये तो रहेगा नहीं, तो नहीं रहने वाली चीज है ये, और परमात्मा रहने वाले तत्व है। ना सतु विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, असमता भाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव भी दिमाग नहीं, उसका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। असत की सत्ता रह ही नहीं सकती, अब असत को तो सत्ता दे दी, सत्ता को असत्ता दे दी, ये उल्टा दिया है, उसकी तरह ठीक हो जाएगा, छोटा कर तो ठीक हो जाएगा। इस वास्ते बिल्कुल ठीक बात है। अब आप सुनते हो, सुन करके बैठ कर एकांत में जमा ले को ठीक तरह से, बात है। माया का प्रभाव नहीं है, प्रभाव अंदर तो आपका है, माया में कहाँ प्रभाव, शरीर में है। अब मामा देते हैं फिर आगे आगे बोलो, माया में बैठो साफ करो। माया दुरुत्या क्यों हुई है कि आपने माया को महत्व दे दिया, माया में खुद में आकर्षण नहीं है। दैवी ऐसा गुण कौन, त्रिवीर गुण में एक तीन गुणों वाली, तो इन तीन गुणों में तो कारण गुण संगोच है, सदा सदियों ने जन्म सु गुणों का संग है, वो तो आपने किया। गुण क्या करे बेचारे, सच्ची पूछो
तो ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रिया प्रगति स्थानी कर सती अंश ममैवांश मेरा अंश है और मन षष्ठान ये प्रकृति स्थानी प्रकृति का अंश है तो प्रकृति के अंश तो प्रकृति स्थानी प्रकृति में रहते हैं। आप परमात्मा के अंश होकर प्रकृति में फंस गए। आप अपने जगह रहो, कम से कम आपके होश आना चाहिए। मनुष्य सारी प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति पद प्रकृति में रहते हैं। आप प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति अंश होकर प्रकृति में न रहे, परमात्मा में न रहे, प्रकृति में फंस गए तो बेईमानी तो हमने की है। मनुष्य से इंद्रिया तो ऐसी ईमानदार है, प्रकृति में ही रहती है, प्रकृति स्थान है। आप इतने हो गए, क्या कहे नाम उसका, परमात्मा का अंश होकर गए प्रकृति में जाते हैं। जैसे प्रकृति का अंश प्रकृति में रहता है, ऐसे आपको परमात्मा के ही रहना चाहिए। परमात्मा के अंश है, हमें अंश हो जीव लोग, जिसका अंश है उसमें रहना चाहिए ना। तो ये व्यभिचार दोष है। हम प्रकृति है नहीं, प्रकृति हमारी है नहीं, प्रकृति में पकड़े हमें। अरे आपने पकड़ी प्रकृति को, प्रकृति पकड़ती नहीं आपको। आप छोड़ दो, प्रकृति नहीं पकड़ेगी कभी। तो गलती हमने की है, इस बात का सुधार हमें करना है। गलती दूसरे की, दूसरा सुधार करेगा, पर हमारी गलती दूसरा कैसे सुधार करेगा? वो तो कभी करो, हमारे करना पड़ेगा। रामानंद आनंद सा सिमरिया सरसी काज, भावे सिमरो काल ही भावे सोरो आज। ये करना अपने को पड़ेगा, कभी करो। तो फिर कभी क्यों देरी लगा, आज ही करे, अभी करे, हमारे को करना है। ये हरेक भाई बहन को सोच ले रहा है, ये करना हमारे को ही है। क्यों, गलती हम नहीं की है तो सही हमें आवे सही रास्ते। तो बस आज ही आ जा, फिर देरी क्यों करे। हम तो बात कह रहे हैं शास्त्रों की, हमारी याद की हुई, जैसी जानी है समझिए, वैसी कह रहे हैं। हम तो योगी मानते हैं। देखो मेरी दृष्टि पूछो तो योगी कोई अयोगी नहीं है, सच्ची बात है, कोई अयोगी नहीं है। मैं गलती समझता हूँ, आप विचार नहीं करते, इस समझने का उद्योग नहीं करते हैं, इस बात में गहरे उतर करके समझना चाहते नहीं है, ये गलती है। समझ सकते नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ। आप समझ सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं, ये नहीं मानता हूँ मैं। आप सब तरह वृत्ति लगा जिसको जानना नहीं चाहते, वो आप चाहोगे तब होगा। समझाने वाला तरह तरह की युक्तियां देकर समझा सकता है, पर समझना चाहे नहीं उसको क्या करे। तो मैं अयोग्य नहीं समझता हूं। आप ख्याल नहीं करते, परवाह नहीं करते हैं। नाशवान पदार्थों की तो परवाह करते हैं, महत्ता देते हैं, श्रेष्ठता देते हैं, और सत्य तत्व की परवाह नहीं करते हैं, बेपरवाह करते हैं। हो जाएगा, कभी हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ये धीरे धीरे हो जाएगा, ये है धोखा, असली धोखा ये है। ये होगा, कभी हो जाएगा, अब थोड़ा थोड़ा करते हैं, हो जाएगा, एक साथ थोड़ा ही होता है, एक साथ नहीं होता। ये धारणा खतरनाक है, खास बात है। अरे इसमें देरी की बात है ही नहीं, तत्काल होनी चाहिए। तो कोई अभ्यास हुआ तो देरी से होगा, ये अभ्यास देने नहीं है। अरे गंगा जी है, इसको गंगा जी को गंगा जी जानने में क्या जोर आता है। तो वो बात असली है, नहीं है। देखो वेदांत में उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधिकारी माने हैं, तो उत्तम अधिकारी तो केवल केवल उनका शब्द कान के साथ संबंध बोध हो गया,
तो अधिकारी का अवसर हुआ ना, गुरु जी क्या करे क्या शब्द करे वो उन्मुख होना चाहिए, फिर हो जाएगा। केवल भीतर में उन्मुख उत्कंठा नहीं है, वो संसार का सुख ले ले ये ले ले, कुछ कुछ जिएंगे, कुछ देखेंगे, करेंगे। ये भविष्य मान रखा है मन में, ये भविष्य की मान्यता है, ये बात है। फिर हो जाएगा, फिर कभी हो जाएगा, ऐसे होने का है नहीं, तो तत्काल होने का है। अधिकारी की आवश्यकता है, अधिकारी बताया है। वो तो देखो शास्त्रों की बातें है, वो सिद्धांत है, सब ठीक है, परंतु तत्काल होता है ये भी तो शास्त्र में आती है। और अपनी चेत सुदुराचार गीता में आया है, अपनी चेत सी पापे सर्वे पाप कृतम हद कर दी, वो भी ज्ञान रूपी तो कर जाएगा, तो गुंजाइश तो है ना। पापी से पापी के लिए भी गुंजाइश है, थोड़े से थोड़े समय में गुंजाइश है, और अपट से मूर्ख के मूर्ख के लिए गुंजाइश है। गीता में तीन बातें आई है, मूर्ख से तो मूर्ख हो, और अयोग्य से अयोग्य हो, मैं पापी हो, और थोड़े से थोड़े समय हो, तीन बातें आई है। नहीं नहीं, अपिषेद सी पापे भय सर्वे भय, पापी से पापी मूर्ख से मूर्ख, और थोड़े से थोड़े समय मुद्दार हो जाए, गीता में तीनों बात आई। पापी से पापी और अंत काले पे अंत माए हो जाओ, सत्याश्रम अंत काले भी फिर निर्माण मचते अंत काल में, और दुदा भी बुद्धि योगम तम बुद्धि योग मैं देता हूँ, हम अज्ञान ग्रम तमाम मैं नाश करता हूँ, तू कितने अज्ञानी हो, भगवान का नाश करने में कौन सो रहा है, क्या दिन लगे। तो निश्चय कौन करेगा, आप करोगे दूसरा करेगा, तो फिर देरी क्यों करते हो बताओ, निश्चित आपको ही करना है। और उस मूड अपने आ जाना थी, तो मूड था आपकी पकड़ी हुई है, मूड था ना आपको पकड़ा है, ये बताओ, आपने आपको मूड था ने पकड़ा है, आपने मूड था को पकड़ा है, बताओ। तो फिर हमको छोड़ना पड़ेगा, फिर देरी क्यों, आज छोड़ो अभी छोड़ो, फिर अंदर छोड़ना तो हमारे को ही है, ये बात है। नारायण 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 नारायण।